वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी नवी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा एवन्यू खाते इंडिया गेट खाते नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अनावरण कर्यू अने कर्तव्य पथनु पण उद्घाटन कर्यू हतु। कार्यक्रम दरमियान पोताना संबोधन में वडाप्रधान मोदी कर्तव्य मार्ग पर कांग्रेस पर आकरा प्रहारों कर्या। कांग्रेस नु नाम लीधा विना पीएम मोदी कह्युं कि नेताजी सुभाष ने भारत की धरोहर पर गर्व हतो अने तेओ भारत ने वहेला में वहली तके आधुनिक बनाव मांगता हता। जो आजादी पछी आपणो भारत सुभाषबाबूना मार्गे चाल्यो होत तो देश हजु पण ऊंचाई होत, परंतु कमनसीबे आजादी पछी आपणा आ महान वीर विसराई गया। तेमना विचारोने तेमना प्रतीक सुधी पण अवगणवामां आव्या हता। पीएम मोदीए कह्युं के गुलामीनुं प्रतीक राजपथ आजथी इतिहासनो विषय बनी गयो छे, तेने कायम माटे भूसी नाख्यो। गुलामीना समय अहीं ब्रिटिश राजनी प्रतिमा स्थापित करवामां आवी हती। देशमां आजे एज जग्याए नेताजीनी प्रतिमा स्थापित करी छे। आजे देशे स्वतंत्र भारतनी स्थापना करी छे। आ तक अभूतपूर्व अने ऐतिहासिक छे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए सेंट्रल विस्टा एवन्यूना उद्घाटन पहेला इंडिया गेट खाते नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा नु अनावरण कर 28 फूट ऊंची आ प्रतिमा ग्रेनाइट पत्थर माथी बनावामां आवी छे। 65 मेट्रिक टन वजननी आ प्रतिमा एज स्थान पर स्थापित करवामां आवी छे कि ज्यां 23 जानुआरी पराक्रम दिवस पर नेताजी नी होलोग्राम प्रतिमा नु अनावरण करवामां आव्युं हतुं। आ बंने निर्माण कार्य सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट नो हिस्सो छे। आ पहला जुलाई में वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी नवा सांसद भवननी छत पर बनावामां आवेला अशोक स्तंभ नु पण अनावरण करी चुक्या छे। मैसूर ना पांचमी पेढ़ी ना मूर्तिकार अरुण योगीराज ना नेतृत्व में एक टीमे परंपरागत तकनीको अने आधुनिक उपकरणों उपयोग करीने प्रतिमा ने हाथ थी कंडारी छे। जे छतरी नीचे प्रतिमा ना पहला राखवामां आवी हती तेमां ब्रिटन ना किंग जॉर्ज पंचमनी एक प्रतिमा हती। 1968 मां किंग जॉर्ज पंचमनी प्रतिमा ने हटावी देवामां आवी हती। दशकाओ सुधी केनोपीमां अमर जवान ज्योत हती अने तेने आ प्रजासत्ताक दिवसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक मशाल ने शास्त्रोक्त जूथमां मिलावी देवामां आवी हती। व्हिच विल सून बी रीनेम्ड टू कर्तव्य पथ अ न्यू प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ।